देखो जी कपड़े पहने थे तो ठंड लग रही थी, उतार दिए तो ठंड लगनी बंद हो गई। पूरा जम गया भाई, पूरा जमा हुआ है। ये देखो स्नो है, पहला नज़ारा हेमकुंड साहब का। यहाँ पहुँचे हैं हम, यहाँ से ये सामने नजर आएंगे आपको गुरुद्वारा साहब। उस तरफ से सीढ़ियाँ जाती है, वो जो आपको ब्लू कलर की शॉप नजर आई ना, शेल्टर बना है, वहाँ से स्टेयर्स हैं जो आपको घुमा करके वहाँ जाके मिलाएंगी। और एक ये है, हम यहाँ से क्लाइंब करते हुए उस जगह पे जा रहे हैं एकदम टॉप पर। खूबसूरत है, एनर्जी अलग है। हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं। वाइट पैचेज आपको देखेंगे, ये फ्रेश स्नो है जो अभी होकर के हटी है। लग रहा है जैसे फूल खिले हैं सफेद रंग। ये कल रात या सुबह का स्नोफॉल का भाई ना साथ दे रहे हैं पूरा पूरा। बिल्कुल ना की तरह शरणजीत सिंह जी फ्रॉम पंजाब। पंजाब लुधियाना। हाँ जी मोहाली। अच्छा मोहाली तो जी। हाँ जी फिर इधर निकाल मारो माड़ी जी ऑन यूट्यूब। हाँ जी कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। ओके ओके पूरे एपिसोड वहाँ आएगा। ठीक है ठीक है। किस पर आएगा? कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। ओके कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। हम लोग कैंपिंग के भाई दिखाती जन्नत। क्यों मेरे मानना पड़ेगा दोस्त। बहुत खूबसूरत जगह, इतने ट्राई किए लाइफ में पर ये नहीं देखा कहीं। ऐसा नहीं देखा दोस्त। इधर भी बैठी यार ली टेंशन नहीं लेनी ब्रा। देखिए हम लोग अभी वापस उस तरफ से क्लाइंब करके उस तरफ से होते हुए वहाँ पे जाएंगे, वो है हमारा ट्रैक। होने वाला है ना वेदर, थोड़ा ऊपर जाता हूँ फिर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगा और जानकारी और व्यू और नज़ारे। इतने ट्रैक किए लाइफ में पर लग रहा है कि अगर मैं रैंकिंग करूंगा तो हेमकुंड साहब के ट्रैक को सबसे टॉप पे रखना पड़ेगा। याद नहीं आता इस तरह का ट्रैक मैंने कौन सा किया है। स्नो जहाँ पर हो, इस तरह के हिल्स हो, ऑलमोस्ट कोल्ड डेजर्ट जैसा लगता है। और जून के महीने में जहाँ प्लेन के एरिया में सब लोग इस वक्त गर्मी से परेशान है, इस वक्त यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, स्नो इतना है मानना पड़ेगा। ये कुछ खास चीज़ें हैं जो इस ट्रैक को यूनिक बनाती हैं। अभी ये नज़ारे देखिए आप किस तरह का है। वो हिल टॉप नज़र आएगा आपको, नो प्लांटेशन ऑन द टॉप, तो मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है इसलिए प्लांट वहाँ ग्रो नहीं करते हैं। और जून के महीने में वो भी थर्ड वीक में इस वक्त वहाँ स्नोफॉल हुआ, तो बाकी कमाल की चीज़ है। और सिर्फ मैं उन माउंटेन्स की बात क्यों कर रहा हूँ, जहाँ बैठा हूँ वहाँ देखिए ये आपको जो नज़र आ रहा है ना वाइट पैचेस, ये फ्रेश स्नो है और सिर्फ स्मॉल प्लांटेशन यहाँ पर है, कोई ट्री नज़र नहीं आएगा। कुछ है ऐसे स्पीसीज प्लांट्स के जो सर्वाइव कर पाते हैं इस तरह के वेदर में। और अगर वैली ऑफ फ्लावर की मैं बात करूँ तो वहाँ कुछ तो फूल खिले होंगे, मुझे कुछ फ्लावर्स रेड कलर के नज़र आ रहे हैं नीचे, वाइट रेड। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरा दिखा रहा होगा तो उस जगह पे फ्लावर्स हैं। ये हैं स्टेयर्स, टिका के रखिएगा ग्रिप बनाइए। यहाँ से
स्नो ट्रैकिंग तब से सपना था, आज पूरा हो गया। ये भी जून के महीने में, जून में ट्रैक स्नो में कौन एक्सपेक्ट करता है। देखिए तो इंटरेस्टेड है आप स्नो ट्रैक करने के लिए तो आइए, ये बहुत मजा देगा, मजेदार एक्सपीरियंस है। ये क्रिस्टल गिरते हुए देख रहे हैं, एक हाइट के बाद जाके बारिश नहीं होती, बारिश की वजह से क्रिस्टल गिरते हैं और ये वही है। आज देखिए नज़ारे किस तरह के हैं यहाँ पर। ये है वो ट्रैक जहाँ से आप आए, उस तरफ से सीढ़ियाँ जाती है, वो जो आपको ब्लू कलर की शॉप नजर आई नहीं, शेल्टर बना है वहाँ से स्टेयर्स हैं आपको घुमा करके वहाँ जाके मिलाएंगी। और एक ये है, हम यहाँ से क्लाइंब करते हुए उस जगह पर जा रहे हैं एकदम टॉप पर। बिजली कनेक्शन वहाँ है, ये अच्छी बात है, घर घर बिजली पहुँच रही है अभी। ये देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहब की तरफ बढ़ता हुआ। रास्ता बढ़िया हो गया, सब ये जो गिर रहे हैं ये इकट्ठे होने लगे हैं और स्लिपरी नहीं कह सकते अभी तक, ऐसा कुछ लगा नहीं, एक जगह दो जगह को छोड़कर कहीं स्लिप नहीं हुआ। अच्छा क्रिस्टल का एक फ़ायदा है कि आपको गीला नहीं करता, आपके ऊपर गिरता है या तो छिटक के दूर जा गिरेगा टकराने के बाद, या फिर पिघल जाता है, पानी की क्वांटिटी में काफ़ी कम है, तो ये रेन से बेटर है, ये कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ की जमी हुई स्नो को। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते हुए बनता है, देखिए आप किस तरह से लोग वाहेगुरु जी का जाप करते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत है, एनर्जी अलग है, हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं कुछ, ऐसी जगह पे उतरना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ क्लाइंब करने से ज़्यादा मुश्किल है उतरना, ये कुछ वैसा ही है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। पाँव डाउन हिल पर स्लिप होता है, आपको ये वॉकिंग स्टिक भी सपोर्ट नहीं कर पाते। हेमकुंड साहब का ट्रैक मैं कहूँगा अभी तक के ट्रैक में टॉपर आएगा, अन्नपूर्णा नहीं किया मैंने पर वहाँ इतनी स्नो होगी कह नहीं सकता, पर स्नो ट्रैक का असली मज़ा मुझे यहाँ मिला। काश यहाँ स्नो कैंपिंग पॉसिबल हो पाती तो कैंपिंग ट्रैवलर का नाम एकदम सही साबित हो जाता अगर मैं यहाँ कैंपिंग करता। वो कहते हैं लो ऑक्सीजन की वजह से श्रद्धालुओं को यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आइए रुकिए और चले जाइए, सेम डे वापस भेज दिया जाता है, नाइट स्टे नहीं करते। हिम्मत देखिए 70-80-90 किलो का वेट उठा के क्लाइंब करना, मेरे पास 20 किलो का बैग है, मैं उससे परेशान हूँ। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी बह रहा है, चीज़ देखी मैंने जो लोकल लोग हैं ये जो वेट लेके चलते हैं स्लिप ना हो स्नो में, इसलिए शूज के ऊपर सॉक्स का एक पेयर पहनते हैं और कहते हैं कि इससे स्लिप नहीं होगा, कमाल की चीज़ है। कभी आप स्नो ट्रैक करें तो इस चीज़ को ट्राई जरूर करिएगा। देखिए बर्फ़ की दीवार करीब करीब 5 फुट मेरे शोल्डर के ऊपर तक जाती हुई, और ये देखिए श्रद्धालुओं का जत्था किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये जो हार्डशिप है ये आपकी डिवोशन को स्ट्रॉन्ग करती है, ऐसी हार्डशिप हर ट्रैक में
होनी चाहिए। फैसिलिटीज अच्छी हैं बस कहीं ना कहीं ये आसान बना देती है। ये देखिए किस तरह से बिठा करके बच्चों को, बुजुर्गों को और बड़े लोगों को भी। ये इतनी ढीक है मतलब सौंगे के हम जैसे मोटे आदमी को भी बोलते हैं कि आ जाओ, छोड़ देते हैं आपको पीठ पे। और खुद सिंगल हड्डी होंगे तो फूक मार तो उठ जाए, फिर भी हिम्मत की बात है, किसी को भी बोलेंगे और बैठो छोड़ आते हैं। चलिए थोड़ी देर में सीढ़ियाँ देखिए वो उस तरफ से वहाँ ऊपर तक जाएंगे और शायद मुझे दर्शन होने शुरू हो गए हैं, मैं नज़दीक ही हूँ। वो देखिए आप टॉप पे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सही नहीं कह सकता, वो ये हेमकुंड साहब। एक ये रास्ता है, एक वो सीढ़ी वाला रास्ता है, लोग वहाँ से चलेंगे और यहाँ से वॉक करके जाएंगे। दोनों का अलग एक्सपीरियंस है, पर सीढ़ियों पे आप कभी भी उतरिएगा मत तो कह नहीं सकता, बात करके पता चलेगा। स्नो है तो स्लिप हो सकते हैं सीढ़ियों पे। स्नो वॉल इंसान की हाइट से ज़्यादा ऊंची है यहाँ, और हिम्मत है इन लोगों की किस तरह से इतना वेट उठा के डाउन जा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम करते हैं ये लोग। बर्फ हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, हाँ फिसल जाता है इसमें। शानदार एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम। हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, करीब करीब 600 मीटर रहा होगा यहाँ से या 700, दो तीन चक्कर लगेंगे और हम पहुँच चुके होंगे हेमकुंड साहब। ऐसी जगह से चलने का एक्सपीरियंस ही अपना अलग ही है ना, इस तरह से बर्फ है जैसे आप आगे निकल रहे हैं। हाँ चलिए ना, अकेले भी एक बार नहीं पूछना सही बोल रहे हैं, ऐसा मौका जिंदगी में नहीं मिलता। एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय करिए, थोड़ा प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, बाद में किसी दिक्कत को याद करेंगे जब लोगों के साथ जिक्र किया जाएगा कि आप गए थे इन सब को ट्राई करने, और बात करेंगे कि किस तरह से स्नो था यहाँ पर, ये अभी भी गिर रही है। भाई की हिम्मत है, देखिए इसने कैसे सॉक्स पहने शूज के ऊपर, इनका कहना है कि इसे स्लिप नहीं करता, ट्राई करना कभी, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। मेरे पास ऐसे सॉक्स हैं तो ठीक है, नज़ारा देखो जो लोग आ रहे हैं देखिए, थोड़ी देर में देखिए आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से, ये लंबी लाइन है। ऐसी जगह पे बर्फ में अगर ये मैन मेड ट्रैक नहीं होता तो बहुत मुश्किल होना था चलना यहाँ पर। थोड़ा नज़र आया हेमकुंड साहब का,